दुनिया में जितने फालतू लोग नहीं हैं वो सारे बिग बॉस देखते हैं। जवान से निकल गई। हाँ भाई, बिग बॉस देखते हो? नहीं, मैंने देखता कभी नहीं देखा। वो एलबी यादव को वोट किया था, उस टाइम देखा था मैंने। क्या किया था? वोट। तो बिग बॉस में तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुझे खानजादी बढ़िया लगती है, क्योंकि सब टीम अप होते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं और वो अकेली लड़ रही है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे न्यूज़ रूम में। आज मैं न्यूज़ रूम कर रहा हूँ, वैसे हमारी एंकर्स करती हैं न्यूज़ रूम। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बिग बॉस में अभी क्या चल रहा है, सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, और अभी तक हमारे न्यूज़ रूम के साथियों ने कितना बिग बॉस देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं और बात करते हैं असद पाशा से। असद पाशा, बिग बॉस नहीं? क्यों? दुनिया में जितने फालतू लोग नहीं हैं वो सारे बिग बॉस देखते हैं। जवान से निकल गई। बस जवान से निकल गई, सही बात है यार। मुझे बताओ उसमें क्या, आपको बिग बॉस पता है कौन लोग देखते हैं जिनको दूसरे घर की लड़ाई देखने में मजा आता है? होता ना जो पहले आओ बहन कुछ रोमांटिक चीज़ें। अरे नहीं, आओ बहन चुगली करें वो वाले लोग बिग बॉस देखते हैं यार। अरे यार, आओ बहन चुगली करने वाले बात है, करो आओ। मतलब बिग बॉस की भी एक फैन फॉलोइंग है ना यार। मोहल्ले की आंटियों को दूसरे घर की लड़ाई देखने मजा आता था, इसलिए सोचा टीवी पे एक शो बना लेते हैं, पब्लिक देखेगी। तो अब भी मोहल्ले की जितनी आंटियां, मतलब इनके हिसाब से अंदर वो हरकतें हैं वो बिग बॉस देखते हैं। मतलब इनके हिसाब से भाई आंटी और उनका शो है बिग बॉस। कभी देखा ना? कोई फेवरेट कंटेस्टेंट जब देखा ही नहीं तो कैसे बता दूं फेवरेट? तब भी तो मुझे, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ। देखो असल में क्या, मैंने ये सुना कि मुनव्वर वहाँ पे है, और मुनव्वर को मैं पहले पसंद करता था जब वो एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर था। फिर उसके बाद जब वो जेल गया, उसके बाद वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं ऐसे चौड़े में, कुछ भी बात तो मैं जेल गया तब मैं आ गया। मुनव्वर को आप सपोर्ट करते हो? मुनव्वर को किस लिए सपोर्ट करते हो? सुनाओ उसकी कोई पोएट्री। एक आध तो सुनाओ, कोई सी अच्छी लगी होगी बताओ, कौन सी अच्छी लगी? सुनाओ यार, मैं अब मुझे ऐसे कैसे याद रहेगा यार। चलो जी, हाँ भाई, आ दूसरा कौन है हमारा? ये है जी, बताइए। नहीं यार, टाइम नहीं मिल पाता बिग बॉस देखने का। हाँ तो मतलब कभी देखा? पहले कभी देखा करता था, मतलब पहले देखा है मैंने कोई नहीं, यहाँ नहीं। अब यहाँ से जाता हूँ, जिम का टाइम रहता है, शाम में जिम चला जाता हूँ, फिर घर आके थका रहता हूँ। तो नहीं तो ऐसा तो कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो तुम्हें बहुत पसंद आया हो? पसंद नहीं, देखिए पसंद आने जैसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। आप टाइम पास करने के लिए देख लेते हो बिग बॉस, ये मुझे लगता है। अगर थके हुए हो, थके हुए बैठे हो तो देख लेते हो, बट पसंद आने जैसा, मतलब एक भी फेवरेट कंटेस्टेंट नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पसंद आने जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। दिल लोग है यार। हाँ भाई, तुम तो यार कंटेंट हो, इधर आओ। हाँ भाई, बिग बॉस देखते हो? नहीं, मैंने देखता कभी नहीं देखा। वो एलबी यादव को वोट किया था, उस टाइम देखा था मैंने। क्या किया था? वोट। कितने वोट किए थे? मतलब 1000 वोट। मैं नहीं, एक फोन से 100 वोट पड़ते थे, तो मेरे घर से 10, मतलब मेरे घर में 10 फोन थे, तो मैंने 10 फोन से कर दिया 100 वोट। तो बिग बॉस कभी नहीं देखते? मतलब ऐसा कुछ कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि कुछ इंटरेस्टिंग वगैरह कुछ? वो एलबी यादव का सिस्टम बस इनको सिस्टम पसंद आता है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। देखो ये देखो बाबू को, ना अगर इस जैसे कार्यकर्ता मुझे मिल जाए, मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने तैयार हूँ। इस बार मैं अगर वोट भी करूंगा तो अनुराग अग्रवाल को मैं वोट करूंगा। क्यों क्यों, तुम देखते नहीं हो बिग बॉस? मुझे वो अच्छा लगता है। धारावाहिक जोगिंदर सब है तो मैं क्यों नहीं रहूंगा? एलवी अपना सिस्टम चला रहा था, वो तो कुछ भी नहीं चला रहा, वो तो चलाएगा। तो कि मुझे घर के बाहर जाना है, मुझे नॉमिनेट करो, मैं 2 करोड़ दूंगा। लेकिन जब बात आई 2 करोड़ देने की, तब से दिए नहीं। तो तुम क्यों अनुराग को नॉमिनेट करोगे जब वो खुद ही घर में नहीं रहना चाहता? आपने हंसी देखी है? अब वो चाहे ना चाहे वो देखना चाहता है ना उसको घर में, तो आपको क्या आपत्ति है? खुद ही घर नहीं रहना चाहता, ये कौन होता देखने वाला? वो तो बिग बॉस देख भी नहीं रहा है, वो तो बिग बॉस में रहने नहीं रहा। मैं उसे रखूंगा। अब मुझे समझ में आया बिग बॉस कौन देखता है। पर एक सेकंड, तुम तो सपोर्ट कैसे कर सकते हो, तुम देख ही नहीं रहे हो यार। अरे मैं नहीं देख रहा, लेकिन उसको देखूंगा। तो पता भी नहीं कि कहाँ पे वोट करोगे, कहाँ पे वोट करोगे बताओ। कहाँ जियो चुनाव पड़ती है, इसके पहले 1000 वोट किया था मैंने एलबी यादव को। हाँ हाँ एकदम। तुम्हें पता है उसने भी बोला कि वो घर से बाहर जाना चाहता है। अरे यार, जब वो खुद वो गेम कैसे होता है, मुझे पता है, मैं रोज बना रहा हूँ कंटेंट। मैं क्यों करूंगी उसको वोट? नहीं, किसको करेंगे वोट? किसी को भी वोट करूं, तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं अनुराग अग्रवाल करूंगा। एलवी यादव किया एलवी यादव को वोट करने के लिए। हाँ, वो बैठा हुआ ना अभी जेल की सजा काटेगा कोबरा वाले के लिए। कौन भेजेगा उसे? कौन भेजेगा? केस में फंस गया है वो। कौन भेजेगा एलवी? अरे कौन भेजेगा जेल उसे? हाँ, जब उसके खिलाफ प्रूफ आ जाएंगे तो चला जाएगा। ठीक है, सिस्टम हैंग कर देगा सिस्टम। भैया बहुत गर्मा गर्मी का माहौल हो गया भाई, तगड़ी तरीके से बिग बॉस के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ सिस्टम पहुँच गए। हम
हमारे तो कम से कम रिस्पेक्ट तो थोड़ी। अरे सर, अरे बैठे रहो। हाँ, ये बताओ भाई कि ये बताओ भाई बिग बॉस देखते हो? नहीं सर, आप टाइम ही नहीं देते। टाइम ही नहीं देते? पूरा दिन सर ऑफिस में रहता हूँ, शाम में जाता हूँ 10 बजे 11 बजे, कहीं खाना पीना खा पाता हूँ, 12 बजे सोता हूँ, फिर देखूंगा किस टाइम। सुबह कितने बजे जाते हो ऑफिस? सुबह 9 बजे आ जाता हूँ सर। तो थोड़ी बहुत जानकारी भी नहीं बिकॉज़? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं जानकारी है। आप समय नहीं देते देखने के लिए, समय देते तो मैं देखता। छुट्टी दे दो सर 2 दिन के लिए, छुट्टी दे दो। हाँ बिग बॉस देखने के लिए? हाँ भाई, मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देखते ही नहीं, कभी नहीं देखा। एल्विस भी आया था, एल्विस की जो ड्रिल आ रही थी बस मैं उसमें देख रहा था, ऐसे तो देखा भी नहीं मैंने, देखा भी नहीं। चलो भैया एल्विस आर्मी दो। हाँ भाई, एल्विस आर्मी में नहीं हूँ मैं। हाँ। मैं किसी कोई आर्मी में नहीं हूँ। हाँ भैया, मैडम इतना गुस्सा क्यों हो गई पहले बताइए? अरे वो बोल रहा है वो उसको सपोर्ट करो, वो खुद ही घर में नहीं रहना चाहता, तू क्या सपोर्ट करेगा? अरे कोई बात नहीं, गाली गलौज नहीं करते, गाली गलौज तो नहीं किया। बताओ, खड़ी हो जाओ। अच्छा, कैमरा तो आलसी है हमारा। हाँ, बिग बॉस के बारे में कुछ तो बोलो। अनुराग का भी वक्त आएगा, बस वो नहीं जीतेगा, वक्त आया गया, वो नहीं जीतने वाला। आप नहीं जा रही थी, अभी से मलान जीत जाएगा। तुम अभी लिख के ले लो, वो नहीं जीतेगा। जो अरे हाथ करो तुम, अभी लिख के दो, हाथ दो, लिखना पूरा फोटो सेंड कर रहा था। आप कहीं भी लिख के दो, मैं क्यों हाथ करूं? जीता तो मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी। अनुराग नहीं जीतेगा। क्या 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 कान ऐसे मत करो। अरे तुम लो हट। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो चलो। हाँ भैया देवी जी, तुम बोलो तो बिग बॉस में तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुझे खानजादी बढ़िया लगती है, क्योंकि सब टीम अप होते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं और वो अकेली लड़ रही है। अच्छा, तो सिन्नास के बारे में कुछ बोलो यार, मेरे फेवरेट थे यार। वो तो टूट गया ना अब से, पर लेकिन थे ना, मतलब वो तो याद होगी ना, अच्छी तो याद ही होती है। अच्छा था उनका कंटेंट भी, लोग अभी भी याद करते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि बिग बॉस में अभी दोबारा वैसा कोई कपल दोबारा आएगा सिन्नास के बाद। हाँ, मुनव्वर और मन्नारा। नहीं नहीं, इतना बढ़िया कंटेंट नहीं है उनका। और कोई है नहीं ऐसा? नहीं, और कोई नहीं है। और अभिषेक और खानजादी की बनी थी, लेकिन इतना चला नहीं। शहनाज गिल और सिद्धार्थ। ठीक है, ओके 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 ओके, कोई और प्रतिक्रिया नहीं इससे पहले? अंडा ये उप संपादक है ना, इनको बोलते हैं। हाँ, खड़े हो खड़े हो। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो खड़े हो। हाँ बताइए, बहुत फॉलो करते हैं आप? नहीं अभी तो नहीं करता हूँ, पहले देखता कभी था, किया? हाँ, कभी। बहुत पसंद था एक टाइम। कौन सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट? मेरा फेवरेट था श्रीशांत। श्रीशांत, श्रीशांत को देख के मजा आया था, पर वो जीता कभी नहीं ना? जीता नहीं तो क्या हुआ। अच्छा, कंटेस्टेंट था मेरा और सबसे फेवरेट जोड़ी। उसके बाद सिद्धार्थ पसंद था। सिद्धार्थ आसिम की जोड़ी, लड़ाई को लेकर, चाहे वो साथ में हो चाहे वो अगेंस्ट। हाँ, मतलब पहले अच्छी बॉन्डिंग थी, उसके बाद लड़ाई हो गई। हाँ, फिर वो अच्छी एक जोड़ी लगी। हाँ, उसके बाद कुछ खास मुझे और याद नहीं है, ये सीजन याद रहा। हाँ, क्योंकि भैया मैंने वो एक ही सीजन था जो मैं देखा था बिग बॉस का, सिद्धार्थ और शहनाज वाला, जिसमें बहुत प्यारा कपल था वो और सिद्धार्थ। हाँ, बहुत प्यारा कपल। तो वो सीजन मुझे आज भी याद है, आगे भी याद रहेगा, और वो सिद्धार्थ की मेमोरी याद आती है, आज भी रिकॉल होता कि शायद भाई और कोई ऐसा कोई बंदा ना आया है, ना आएगा, ना आएगा। सही बात है, एग्जैक्टली सही बात बोली, बिल्कुल एग्री एग्री एग्री। हाँ भाई, इशिका जी हमारी एंकर महोदय से पूछ लेते हैं, बिग बॉस फॉलो करती हैं? इस बार वाला नहीं किया। कभी कौन सा, कोई सा भी किया? लास्ट शहनाज वाला किया। शहनाज वाला किया। इस वाले की मैं रील्स देखती हूँ, कभी कभी रील्स आ जाती है तो पता रहता है खानजादी कौन है, नील कौन है, ये सब। हाँ, थोड़े बहुत पता है कौन है। अभी तक सबसे बेस्ट सीजन आपको कौन सा लगा? शहनाज वाला। सिन्नास की बात अभी भी चल रही है भाई, मतलब इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग, और ये हमारे प्रोड्यूसर महोदय जो हैं ये सुन रहे हैं। भैया बाद में कर लेना काम, इधर आओ। बिग बॉस फॉलो करते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करते। क्या यार, लेकिन वो ओरी जो आया था 2 दिन के लिए, ओरी को फॉलो करते हो? ओरी को फॉलो नहीं करते। हाँ, उसका देखिए भाई। क्या देखिए? जो सलमान को, सलमान के होश उड़ गए उसके। अरे उसका क्या देखेंगे? नहीं नहीं, पर ओरी का बात पहुंच गए, ओरी का फोन कवर देखे हो ना? हाँ, वो तो देखे हैं। कैसा लगा केला? हाँ बढ़िया लगा, बढ़िया बढ़िया लगा केला उसका। छिला वो छिलका, एकदम छिलका उभरता उसका, उसका उभरता हुआ केला। उसका उभरता हुआ केला। नहीं, मैंने कब बोला केला अच्छा लगा? आप बोले ओरी का केला, ओरी का केला या ओरी का फोन कवर केला? नहीं, फोन का केला नहीं, आप सर का सवाल था ओरी का फोन आपने बोला ओरी का केला आपने। चलो कोई बात नहीं, देखो ओरी का केला पसंद आया, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिग बॉस फॉलो करते हो सर? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दिखता कभी नहीं देखा। नहीं देखा सर।
मतलब अच्छे लोग हैं, मतलब आप लोग ये ऐसे। मुझे लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है और मुझे देखना भी अच्छा नहीं लगता है, उससे अच्छा मैं कुछ और देख लूँ, कॉमेडी वगैरह तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो भाई ये थे न्यूज़ रूम के लोग जिनको बिग बॉस कभी पसंद नहीं आया, कई सारे ऐसे हैं जिनको पसंद आया, और इतनी सी बात है, बाकी बाय बाय।